एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतारे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अपना काम समाप्त कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझ रहा था। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं? जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोली, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा व्यवहार करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें, जो छिप कर देखें कि इसका मजदूर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शिष्य ने ऐसा ही किया। दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम समाप्त करके जूतों के पास आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले तो उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में डाले और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए और उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आई। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूतों में सिक्का डालने से तुम्हें कम खुशी मिलेगी? शिष्य बोला, आपने जो आज मुझे पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेन की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंदमय है। देने का आनंद असीम है, देना देवत्व है।